गलती और अनजाने में हुए विज्ञान के आविष्कार। कुछ गलतियों से काम बिगड़ता नहीं बल्कि बड़े काम बन जाते हैं। साइंस में रिसर्च और डेवलपमेंट करते हुए होने वाली गलतियां बड़े इन्वेंशन करने में मदद करती हैं। जानिए साइंस की कुछ ऐसी गलतियां जिन्होंने दुनिया में रेवोल्यूशन ला दिया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए और किस तरह की वीडियो बनाना चाहिए। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। कोका कोला। आपको कोका कोला से प्यार जरूर होगा, मगर दोस्तों क्या आप जानते हैं कोका कोला का आविष्कार गलती से हुआ था? जी हाँ, जॉन पम्बरटन नाम के एक फार्मासिस्ट ने इसे गलती से बना दिया था। दरअसल वो सर दर्द का इलाज करने के लिए अच्छी सी दवाई खोज रहे थे। इसके लिए उन्होंने कोला लीव्स और कोला नट नाम के दो चीज़ों को मिलाकर एक सिरप बनाया। इस सिरप को पानी के साथ मिलाया जाना था। उनके लैब असिस्टेंट ने गलती से दोनों को कार्बोनेटेड वाटर में मिला दिया और गलती से ये एक स्वादिष्ट ड्रिंक बन गई जिसे आज हम कोका कोला के नाम से जानते हैं। शुरुआती दिनों में यह सिर्फ दवा की दुकानों पर ही मिलती थी। सबसे पहली बार 1984 में मिसिसिपी के विक्सबर्ग में पहली बार सॉफ्ट ड्रिंक कोका कोला की बोतल बिक्री उतारी गई। पोटैटो चिप्स। हम सबको पोटैटो चिप्स खाना बेहद पसंद है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका आविष्कार गुस्से में किया गया था? ये आविष्कार जॉर्ज क्रम नामक एक शेफ ने किया था। एक दिन एक कस्टमर बार बार जॉर्ज क्रम का बनाया हुआ फ्राइज पोटैटो ये कहकर वापस कर दे रहा था कि यह ड्राई और क्रंची नहीं है। इससे तंग आकर जॉर्ज ने आलू को बिल्कुल पतले आकार में काटकर गर्म ऑयल में फ्राई किया और फिर नमक डालकर सर्व किया। उस कस्टमर को ये डिश बेहद पसंद आई और फिर क्या था, इस डिश का मज़ा आज सारी दुनिया ले रही है। माचिस। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में एक ब्रिटिश फार्मासिस्ट जिनका नाम जॉन वॉकर था, वो रोज की तरह कुछ केमिकल को लकड़ी की स्टिक पर लगाकर दवाइयां बना रहे थे। एक दिन उन्होंने पाया कि कुछ केमिकल लकड़ी की स्टिक्स पर चिपक गए हैं, जिसे हटाने के लिए उन्होंने उस स्टिक को घिसा, जिसके बाद उसमें अचानक से आग जल गई और इस तरह हुआ माचिस का आविष्कार। एक्सरे। 1895 में विलियम रॉन्गटन नाम के एक वैज्ञानिक ने गलती से अपना हाथ इलेक्ट्रॉन बीम के ऊपर रख दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने हाथ की एक इमेज फोटोग्राफिक प्लेट पर बनी पाई। उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन बीम से होने वाली रेडिएशन ठोस वस्तुओं के पार जा सकती है और ये उसकी परछाई छोड़ जाती है और इस तरह एक्सरे का आविष्कार हुआ। माइक्रोवेव ओवन। 1945 में पर्सी स्पेंसर रेथियन कॉर्पोरेशन में रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च करते समय वह मैग्नेट्रॉन नामक एक वैक्यूम ट्यूब के साथ प्रयोग कर रहे थे, तभी अचानक उनकी जेब में रखी कैंडी बार पिघलने लगी। ये देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उसके बाद उन्होंने इसकी सच्चाई जानने के लिए एक पॉपकॉर्न लिया और जब पॉपकॉर्न भी फूटने लगे तो उन्होंने उस पूरी प्रक्रिया को नोटिस किया और 1947 में पहला माइक्रोवेव ओवन बनाया। पेसमेकर। पेसमेकर का आविष्कार भी गलती से हुआ था। बायोमेडिकल इंजीनियर जॉन हॉप्स रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए बॉडी टेम्परेचर को रिस्टोर करने का प्रोजेक्ट कर रहे थे। इस दौरान उन्हें एहसास हुआ कि अगर दिल ठंड के कारण धड़कना बंद कर दे तो आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन पैदा करने से ये फिर से धड़कना शुरू कर देता है और इस प्रकार पेसमेकर का आविष्कार हुआ। पेंसिलिन। पेंसिलिन वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग घाव को भरने के लिए एक चमत्कारी दवा का आविष्कार करना चाह रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। ऐसे में उन्हें एक्सपेरिमेंट की गई चीज़ों को बाहर फेंक दिया। कुछ दिन बाद जब उन्होंने नोटिस किया तो पाया कि वह आसपास के बैक्टीरिया समाप्त हो रहे हैं। इस तरह से पेंसिलिन का आविष्कार हुआ। वल्कनाइज्ड रबर। नेचुरल रबर को अधिक मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए कई सालों से कोशिश होती रही है, मगर सफलता नहीं मिली। 1839 में वैज्ञानिक चार्ल्स गुडियर के हाथों से प्रयोग करते हुए गर्म रबर स्टोव पर गिर गया, जिसके बाद जला हुआ लेदर सा पदार्थ सामने आया जो काफ़ी मजबूत और टिकाऊ था। आगे चल के इसका इस्तेमाल वल्कनाइज रबर के रूप में किया जाने लगा। टेफ्लॉन। साइंटिस्ट रॉय प्लैंकेट रेफ्रिजरेंट के विकल्प की तलाश कर रहे थे। एक बार उन्होंने जैसे ही सैंपल का बॉक्स खोला, उन्होंने पाया कि प्रयोग में इस्तेमाल होने वाली गैस गायब हो गई है और उसके बदले में एक फिसलनदार रेजिन अवशेष के रूप में बची हुई है।
जिसमें हीट और केमिकल के लिए काफ़ी तक क्षमता थी, इसे कहते हैं टेफ्लॉन। बाद में इस खोज का इस्तेमाल पेंट्स, नॉन स्टिक कुकवेयर्स और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के रूप में होने लगा। वेलक्रो। एक ट्रिप के दौरान स्विस इंजीनियर जॉर्ज डे ने अपनी पैंट से कुछ बीजों को चिपका देखा। उन्होंने पाया कि ये किसी भी लूप के आकार वाली वस्तु से चिपक जाती हैं। ऐसे में उन्होंने आर्टिफिशियल लूप तैयार किए और उसके रिजल्ट में वेलवेट और क्रोशेट के कॉम्बिनेशन से वेलक्रो बना। सेफ्टी ग्लास। सेफ्टी ग्लास का आविष्कार फ्रेंच साइंटिस्ट एडवार्डो बेनेडिक्टस ने 1903 में किया था। आज सेफ्टी ग्लास जो हर जगह इस्तेमाल में आता है वो एक गलती का परिणाम था। बेनेडिक्टस जब कुछ काम कर रहे थे तो उनके हाथ से अनजाने में एक ग्लास फ्लास जमीन पर गिर गया। वो ग्लास तो झटका लगने पर टूट गया, लेकिन उसके टुकड़े अब भी साथ में जुड़े हुए थे। ये देखकर बेनेडिक्टस को बड़ी हैरानी हुई। जब उन्होंने पता किया तो पाया कि इस फ्लास में सेल्यूलोस नाइट्रेट रखा हुआ था, जिसे फ्लास के इंटीरियर पर प्लास्टिक की एक थिन कोटिंग बन गई थी। और इस तरह सेफ्टी ग्लास का आविष्कार हुआ। आज सेफ्टी ग्लास हर जगह यूज में आता है, जैसे कि कारों की विंडशील्ड, मशीनरी और कई बिल्डिंग्स के विंडो और डोर्स के लिए। प्लास्टिक। 20वीं सदी के शुरुआती दिनों में चीज़ों को रखने के लिए श्लोक नाम का एक पदार्थ का उपयोग होता था, पर उसमें समस्या ये थी कि ये बहुत महंगा होता था। इस समस्या को हल करने के लिए एक केमिस्ट लियो हेनरिक ने कुछ अंधाधुन एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें उन्होंने एक ऐसे मटेरियल का आविष्कार किया जो ज़्यादा तापमान पर पिघलाया जा सकता है और इसे किसी भी शेप या आकार में ढाला जा सकता है, और इसे नाम दिया गया प्लास्टिक। आतिशबाजी, फायरवर्क्स। आतिशबाजी एक चाइनीज कुक के दिमाग की उपज है। एक कुक अपने किचन में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसने चारकोल, सल्फर और सॉल्ट बैटर को एक साथ मिलाया और बांस की नली में डाल दिया। बांस की नली में मिक्सचर को डालते ही एक विस्फोट हुआ और वहीं से शुरू हुआ आतिशबाजी।